बंदा चल 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 लंघ जा यार हम तू खोल दे जट पुल बना रहा मैं पुल बना रहा मैं मैं उन्हें बचान करके करेगा ना सर अंग्रेजों का कानून साढ़े जरा थोपया जा रहा है 27,550 एकड़ जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वह कितने भी खसरा नंबर जो मैनशन नहीं है साढ़े असी पीढ़िया तो साढ़े बाबे दादियां तो साढ़े बदस्तूर असी काबज है गए तो हाई कोर्ट के ऑर्डर कितने भी खसरा नंबर जो पिंड वाइज खसरा नंबर मैनशन नहीं किए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मन मर्जी नाल अपनी मर्जी नाल लिस्टां च वेरिएशन लिया के मन मर्जी दियां वेरिएशन लिया के साड़ियां मालकी जमीनां जिहड़ियां ने असी मतलब साढ़े बाबियां दादियां तो असी उस उन्हां जमीनां तो मालक हैं या कुछ जमीनां सानू कंसोलीडेशन च मिलियां इस्तेमाल च मिलियां साढ़े कोल पूरा उहदा रिकॉर्ड हैगा पर साड़ी कितें भी सुनवाई नहीं की जा रही कोर्टां च जा रहे हैं चलो हाई कोर्ट ने एक स्टे सानू जरूर दिता इस संबंध च सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिता है कि जेडे 26 जनवरी 1950 तो जेडे किसान काबज होंगे उन्होंने मालकी हक दिता जाएगा पर बड़ी अफसोसजनक और हैरानीजनक ये गल है कि साढ़े तो असी आज़ाद नहीं है साढ़े तो एक अंग्रेजा के कानून 1904 का कानून जोड़ा साढ़े तो बदस्तर थोपया जा रहा है असी बड़े हैरान हैं कि असी आज़ाद देश के दे वासी हैं साढ़े तो अंग्रेजा के कानून थोपे जा रहे हैं सानू प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है साड़ी कि साडा जी मालकियां है साढ़े जोड़े हक है असी आवाज कर रहे हैं इन्हों प्लीज़ बैठ के विचार किया जाए असी कोई भी गलत नहीं कर रहे असी अपना हक लै रहे हैं ये कोई भी गलत नहीं कर रहे तो साढ़े नाल प्लीज़ सारा रिक्वेस्ट है कि सारा प्रशासन इनू गहराई च विचार करके सानू इंसाफ दिलाया जाए तो साढ़े नाल ये नंगा चिट्टा धक्का नहीं किया जाए पिछले समय जंगलात विभाग वालों इन्हों जमीन से ही बूटे लगाए गए थे नहीं सर कोई ऐसी कुछ नहीं है बदस्तुर ये नारायणपुर के जोड़े लोग है मालिक है इन्होंने इतने चारा बीजे का हूँ भी तुम देख सकते हो चारा बीजे लोगों ने कि भी बूटे नहीं लगाए इन्होंने वो फर्ज कागजा की करते सू नहीं पता अज की किया पैलियाँ अब पैलियाँ बाह के उन्होंने असी कणक बीजी है सरों बीजी है हाँ जी कंटिन्यू जरा बदस्तुर कब्जा बहाल रखे देखो इसमें इन्होंने एक स्पेशल अपील डाली थी सुप्रीम हाई कोर्ट में सीएम डाली थी तो उसमें कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे इनको कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि भी जो पेटिशनर हैं जो रेस्पोंडेंट है दे विल रिस्ट्रेन फ्रॉम द डिस्पोजिंग द पेटिशनर बट इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन लिया है कि भी हमारे जो लैंड जो पहले से हमारे नाम पर म्यूटेशन हो चुका है और इसमें हमने करीब 20 हेक्टर के आसपास में प्लांटेशन करवा भी चुके हैं पहले से ही और इसके रिगार्डिंग हमने एडिशनल एफिडेविट भी कोर्ट में पहले डाला हुआ है कि भी हमारे लैंड नाम पे लैंड म्यूटेशन हो चुकी है और हम प्लांटेशन भी करवा चुके हैं
हूँ जो इन्होंने जो इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है कि भी हम प्लांटेशन को बर्बाद करके पूरे को ख़राब करके और इसमें बुआई करेंगे, तो ये जो चीज़ वो कर रहे हैं वो गलत है। और एक हाई कोर्ट के ऑर्डर का मैं कहूँगा कि रेस्पेक्ट करते हुए एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिया है। हालांकि कोर्ट ने एक बिल्कुल भी इनको नहीं कहा कि आप जाके उस प्लांटेशन को ख़राब करो और उसके बाद में वहाँ पर बुआई करो। तो ठीक है, पुलिस भी यहाँ पे मौके पे टाइम पे पहुँच गई थी और भी आ गए थे। हालांकि कुछ उन्होंने नुकसान किया है यहाँ पे प्लांटेशन का जो ट्रैक्टर वैक्टर चलाए हैं, लेकिन फाइनली ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि भी अभी जो मैटर्स सब जुडिश है कोर्ट में पेंडिंग है, तो कोर्ट के जो फर्दर ऑर्डर्स हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में, तब तक वेट करेंगे, तब तक दोनों तरफ से कोई भी इस लैंड में नहीं आया जाएगा, ये जो फाइनली फैसला हुआ। सर, जंगलात विभाग ने इन्होंने जी प्लांटेशन जी की थी उन्होंने नुकसान भी पहुँचाया है, की कार्रवाई है? असी असेस करांगे कि इन्होंने नुकसान पहुंचाया और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बनते रूल हैं उन अनुसार कार्रवाई करांगे। देखो अज सानू जो इनफॉरमेशन मिली कि जंगलात की जमीन पर पिंड नारायणपुर के जोड़े किसान आ उन्होंने फिर कब्जा करने की कोशिश की है। मौके पर DFO साहब भी आए हैं, तहसीलदार साहब भी आए हैं, सारे कंसर्न महकमा जोड़ा मौके पर पहुँचे है। सो पिंड वाले को एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो अपने इस ऑर्डर जोड़ा वैलिड दस रहे थे वो मुताबक कह रहे भी आपां ये साडे ही कब्जा है, आपां कभी डिसपोजेसी नहीं होए। सो जिहड़ा फॉरेस्ट महकमा वो गलत कह रहा, बयानबाजी कर रहा, तो कोर्ट के हुक्मों मुताबक अं पोजेसन च ही हाँ। सो आपां सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे होके तो पिंड वाले किसान यूनियन आईया सी, सो ये फैसला इन्होंने यूनैनिमसली लिया कि 5 तरीक तक कोई भी बंदा उत्थे इंटरफेयर नहीं करेगा जमीन च, क्योंकि 5 तरीक नूं हाई कोर्ट च इसकी तरीक है। तरीक तो जो भी जज साहब अगर ऑर्डर करेंगे वो मुताबक जोड़ा इस जमीन पर जो भी पार्टी हक रखेगी उन्होंने जाएगी।